सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटी आइकन को जरूर दबाएं ताकि मिलती रहे आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है काले से गोरा कैसे होए। हाँ दोस्तों, काले से गोरा कैसे होए। क्या आप अपने काले रंग से बहुत परेशान हो चुके हैं? आप बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा करवा के थक चुके हैं? आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, फेशियल कराते हैं, मसाज कराते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो मैं आपके लिए उपचार लाई हूँ, बहुत ही आसान उपचार है और घर में करना है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए दोस्तों, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग अपने काले रंग से परेशान हो चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो आजकल यही सोचते हैं सारे, मैं भी गोरा दिखूं, हैंडसम दिखूं, लड़के भी लड़कियां भी सब, बच्चे तक आप ये सोचते हैं, बुढ़े हो चाहे बच्चे, अब यही सोचते हैं मुझे गोरा दिखना है। क्योंकि गोरा अब नॉर्मल सी बात है दोस्तों, जैसे किसी की शादी, कोई काला है उसकी शादी नहीं हो पाती, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, तो सब चाहते हैं मैं भी गोरा दिखूं। तो मैं इतना अच्छा उपचार लाई हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, जो अपने घर में करना है। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सामान खरीदने की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। इतना सस्ता सामान खरीदना है कि आप सोच के होश उड़ जाओगे, आप होश उड़ जाएंगे आपके। तो क्या होता है, कम काले कैसे पड़ जाते हैं, जो बचपन की हमारी त्वचा होती है, कोमल त्वचा, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, हम बढ़ते उम्र के साथ हमारी त्वचा भी मतलब काली पड़ जाती है। जैसे हम बाहर जाते हैं धूप में, पॉल्यूशन, धूल, डस्ट, मिट्टी हमारे फेस पे बैठ जाती है, जिससे हम अच्छे से अपनी केयर नहीं कर पाते। हम ऑफिस से आते हैं, स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं और हम अपने स्किन का ध्यान नहीं दे पाते। हम आते हैं और जल्दी से हम अपना मुंह वॉश कर देते हैं, पानी से धो देते हैं, जिसके कारण कि कुछ कीटाणु मिट्टी के होते हैं जो हमारे शरीर में फेस पे ही रह जाते हैं, अच्छे से मुंह वॉश नहीं होता। हम तो कभी कभार कभी गर्म पानी से मुंह वॉश कर लिया, गुनगुने पानी से वॉश कर लिया, और हम फेशियल कराते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, खासकर लेडीज़ गर्ल्स, फिर 2-3 दिन तक तो उसका ग्लो रहता है फेशियल का, लेकिन 3rd-4th दिन वो अपना काला रंग ही छोड़ता है, मतलब पहले जैसा फेस शुरू हो जाता है, रहना शुरू हो जाता है। तो आपने घरेलू उपचार क्या करना है, आपने घरेलू उपचार इतना अच्छा उपचार है, ध्यान से सुनना है। तो जैसे मैंने एक कटोरी ली है और मैंने यहाँ पे एक शैम्पू लिया है। हाँ दोस्तों, आप कोई सा भी शैम्पू यूज कर सकते हो। तो मैंने ये शैम्पू लिया है 1 रुपये का, जो 1 रुपये का शैम्पू है। आप बहुत सारी क्रीम यूज करते हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं, मसाज तक करवा देते हैं, तो जो कि बहुत ही महंगा है। तो मैंने 1 रुपये का शैम्पू लिया है। तो आपने क्या करना है, एक शैम्पू लेना है, एक कटोरी लेनी है और उसमें ये शैम्पू, जैसे कि आप देख सकते हो मैं शैम्पू डाल रही हूँ, तो इस प्रकार मैंने शैम्पू डाल लिया है मेरे प्यारे फ्रेंड। और आपने यहाँ पे एक मैंने आधा कटा हुआ नींबू लिया है जो कि मैं इसमें निचोड़ रही हूँ। हाँ दोस्तों, ये देखो मैंने 2-3 बूंद इसमें निचोड़ ली है नींबू की। तो इसको अच्छे से, अभी मेरे पास चम्मच, अच्छे से इसको मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा आपने अपने फेस पे लगाना है। हाँ दोस्तों, अपने फेस पे लगाना। मैं आपको, आप यहाँ दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मैं अपने हाथ पे ही ट्राई कर देती हूँ। ऐसे ऐसे आप उंगली से भी, रुई से भी आप कर सकते हो अपने मुंह पे कवर, अच्छे से कवर करना है इससे अपना फेस। ध्यान रखें आप आँखों में ना जाने दें, अपने ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने मुंह पे लगाना है। जब आप इसको वॉश करोगे, 5 मिनट बाद आपने इसको वॉश करना है, अगर आप अपना फेस देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा फ्रेंड्स, इतना गोरा चमकदार चेहरा हो जाएगा आपका, जैसे कि आप मेरा देख रहे हो बिल्कुल ही, क्योंकि मैं खुद भी यही यूज करती हूँ और बहुत अच्छा है। मुझे ना तो फेशियल कराने की ज़रूरत है, ना मसाज कराने की ज़रूरत है, और बाकी ट्रीटमेंट की भी अपने फेस पर कोई ज़रूरत नहीं रहती। ये बहुत ही घरेलू आसान तरीका था जो आपने अपने घर में करना है। आपने शैम्पू लेना है और उसमें नींबू निचोड़ना है और जो कि अपने अपने फेस पे लगाना है, और आपने इसे वॉश करना है 5 मिनट बाद, और गुनगुने पानी से, ज़्यादा गुनगुना पानी भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से गुनगुने पानी से आपने वॉश करना है। ध्यान रखें आपने किसी फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है, सोप का यूज़ नहीं करना है, साबुन का तो यूज़ नहीं करना है, आपने ऐसे ही इसे वॉश करना है। आपका चेहरा इतना
चमकदार हो जाएगा, ग्लो आ जाएगा आपके चेहरे पे, ना आपकी ड्राइनेस रहेगी और छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं, दाग छाए कुछ भी नहीं रहेगा, आपका चेहरा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये लेडीज़, गर्ल्स, जेंट्स सब यूज कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपका चेहरा बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ना ही आपको कोई खर्चा आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा कुछ उपचार, बहुत ही अच्छा, जो कि बहुत ही आसान था। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों कमेंट भी ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ ज़रूर जाके फॉलो करें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।